हेलो एवरीवन, कैसा सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1.17 वर्जन अभी अभी लॉन्च हुआ है और उसके कुछ दिनों बाद उसका ऑप्टिफाइन लॉन्च हुआ है। तो अभी आप लोगों को खेलना है 1.17 विथ शेडर्स। तो उसी के लिए मैं आज ये वाला वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लो एंड शेडर्स जो कि ऑफिशियली 1.17 के लिए लॉन्च हो चुका है। मतलब अभी तक टोटल्स मैं जब चेक किया तो टोटल 7 शेडर्स ही अपना जो वर्जन है उसे अपडेट किया है 1.17 के लिए। तो उसमें से मैं ढूंढा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ही शेडर्स मिले जिसे आप लोग आराम से इजीली अपने लो एंड पीसी पे चला सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने आज के पहले शेडर्स के बारे में। तो गाइस, आज का पहला शेडर का नाम है स्लाइडर। शील्डर वाइब्रेंट का ही शेडर्स है, लेकिन शील्डर वाइब्रेंट नहीं है, इसका नाम है शील्डर एनहेंस शेडर। तो गाइस देख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं, बस सनलाइट का जो इफेक्ट है वो आया है और डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन है। मतलब इसमें आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा। और भी कुछ सेटिंग्स है जो कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं वो सब ऑफ कर रखा हूँ, मतलब क्योंकि उसमें ज़्यादा ही मतलब काफ़ी घटिया लग रहा था इसलिए। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत सनलाइट दिखेगा और सबके सब वेविंग ब्लॉक्स दिखेंगे। पानी आपको कुछ नॉर्मली से थोड़ा बहुत बेटर दिखेगा शायद से, मुझे तो नहीं लग रहा। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आया, बस सनलाइट को आपके गेम पे लाया है जो ताकि आपको थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लगे। तो यही है, तो इसका नाम है शील्डर एनहेंस्ड शेडर। तो चलिए अभी चलते अपने दूसरे शेडर की ओर। तो गाइस, जो हमारे दूसरे नंबर पे शेडर्स है इसका नाम है चोकोपिक शेडर्स। तो भाई आप लोगों को सभी को पता होगा कि चोकोपिक शेडर्स क्या है, लेकिन ये नॉर्मल चोकोपिक शेडर नहीं है, इसका नाम है चोकोपिक टोस्टर एडिशन। तो गाइस, इसका ऑफिशियल 1.17 वर्जन आ चुका है, तो आप लोग अगर इसे चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो और हाँ गाइस, आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में कोई भी डाउनलोड लिंक मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप सीधे आते हो और डाउनलोड लिंक लेके भाग जाते हो। तो गाइस, जो जो 3 शेडर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उन सब का बस नाम आपको गूगल पे लिख देना है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड लिंक आ जाएगा। तो इस शेडर्स का नाम है चोकोपिक टोस्टर एडिशन। ये इसमें लाइट को और भी ज़्यादा तेज़ किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पानी देख सकते हो वही है और बाकी सब पूरा वेनिला है, बस इसमें जो सनलाइट है उसे और भी तेज़ ब्राइट कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। तो जिसके कारण इसमें आप नॉर्मल जो चोकोपिक यूज़ करते हो उससे ज़्यादा FPS मिलेगा आप लोगों को। तो ये सब आप लोग 1.17 में यूज़ कर सकते हो, इस सब का ऑफिशियल वर्जन निकल चुका है। तो अभी बात कर लेते हैं अपने थर्ड और लास्ट शेडर्स के बारे में। तो गाइस, हमारा ये थर्ड शेडर्स जो है वो बिल्कुल नया है। ये आप लोग अपने लिए एक मतलब अपने लो एंड पीसी के एक स्टॉक में एक और शेडर्स बना सकते हो। तो गाइस, इस शेडर्स का नाम है ट्रिलिटन शेडर्स। तो ये शायद से आप लोगों को तो पता होगा कि एक मिनट, वेदर क्लियर हो गया, हो जा क्लियर। हाँ, तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि शील्डर वाइब्रेंट शेडर फेमस है। तो आज वाला जो शेडर पहले शील्डर का ही था, बस एनहेंस्ड एक अलग सा शेडर पैक था। फिर हमने सेकंड में बात किया कि चोकोपिक का, लेकिन चोकोपिक टोस्टर एडिशन का बात किया जो कि एक नया है, लेकिन है तो चोकोपिक का ही। तो लेकिन ये वाला बिल्कुल नया शेडर्स है, इसका नाम है ट्रिलिटन शेडर। देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें तो इसका अपना डिफ़ॉल्ट क्लाउड्स भी है, लेकिन बाकी सब में नहीं था, बाकी सब में वैनिला क्लाउड्स ही था या नहीं भी था पता नहीं। और इसका लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है, इन सबको आप कम कर सकते हो। मैं कम कुछ नहीं किया, डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग मिला था वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है इसका सनलाइट वो। और इस सन को देखने से आपका थोड़ा बहुत मतलब आँख को प्रॉब्लम दे देगा, तो सन के तरफ ना देख के ये पूरा। और गाइस, इसमें ब्लॉक इतना ब्राइट हो जाता है कि क्या ही बोलूँ। देख सकते हो डायमंड ब्लॉक है ये, इसमें है डायमंड और गोल्ड ब्लॉक, देख सकते हो कितना ब्राइट हो जा रहा है अब। और ये है आयरन ब्लॉक। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये ब्लॉक मतलब अगर लाइट में ना रखो तो भी ऐसा शाइन करता है कि नहीं, शायद से करता होगा। और नहीं नहीं, मैं बस अगर मैं डे को नाइट कर दूँ तो ही हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं टाइम सेट नाइट,
तो गाइस देख सकते हो ये रात को ये ऐसा दिखता है, और मैं गलत था कि ये ब्लॉक शाइन करता है, ये बस सनलाइट के वजह से इतना शाइन कर रहा था, लेकिन रात को ये काफ़ी मज़ा आता है देखने में। तो गाइस आप हमें कमेंट में बताओ कि इन तीनों शेडर्स में से आपको कौन सा अपना बेस्ट लगा, और बताइए कि आपके पीसी में ये सब आराम से रन किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि मैं सब के सब लो एंड शेडर्स का ही बात करता हूँ, यहाँ पे कोई भी हाई एंड नहीं। तो चलेगा आज वाले वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले अमेजिंग वीडियो के साथ। तो चलिए आज मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।